आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शनिवार को नोनिहाय के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक रथ यात्रा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष में मंदिर से श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस घट यात्रा में शहर भर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शनिवार को नोनिहाय के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक रथ यात्रा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष में मंदिर से श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस घट यात्रा में शहर भर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रथ यात्रा से पहले मंदिर में पवन जैन और सुबोध जैन ने महोत्सव की शुरुआत झंडारोहण के साथ की। रथ यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज के साथ 2 जैन पचरंगा ध्वज, 5 राजकुमार घोड़े, 2 झांकियों के साथ कोरोना वायरस की झांकी श्रद्धालुओं में खासा आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। आज हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का जन्म कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नोनिहाय मंदिर में मनाया गया, जिसके अंदर की रथ यात्रा को नगर में भ्रमण करवाया गया। उसके बाद श्री जी का अभिषेक मंदिर जी प्रांगण में हुआ, जिसके अंदर की हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। और कार्यक्रम प्रतिवर्ष अहन सेवा मंडल के द्वारा ये किया जाता है, जिसके अंदर की लोगों के अंदर बहुत उत्साह होता है, क्योंकि लोग अधिकतम लोग ये जानते हैं कि जैन धर्म महावीर भगवान से प्रारंभ हुआ है, लेकिन जबकि जैन धर्म महावीर भगवान से प्रारंभ न होकर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से प्रारंभ हुआ है। आज हम नोनिहाय से आदिनाथ जयंती मनाने जा रहे हैं और यहाँ हमने एक यात्रा का प्रारंभ किया है नोनिहाय से, और यह पूरे रामबाग कटरा क्षेत्र घूमते हुए प्राण में घूमते हुए बाबा नोनिहाय जैन मंदिर पहुँचेगी। उसके बाद वहाँ पर पूजा प्रसाद आदि होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर सभी युवा और सभी महिलाएं और बहुत अच्छे तरीके से आदिनाथ जयंती मना रहे हैं और ये हर साल प्रोग्राम होता है। आज हम यहाँ पे आदिनाथ भगवान का जो प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के, उनका जन्म कल्याणक महोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव मना रहे हैं। ये रथ यात्रा चल रही है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये रथ यात्रा चल रही है जो कि नए मंदिर से चालू होकर रामबाग कटरा होते आठंडा कॉलोनी में घूमते हुए वापस में नए मंदिर पहुँचेगी। उसके बाद में वहाँ पर श्री जी का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में वात्सल्य भोज और हम बड़े धूमधाम से इसको हर साल मनाते हैं। रथ यात्रा का ट्रांस यमुना कॉलोनी क्षेत्र में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रथ यात्रा की व्यवस्था अरिहंत युवा मंडल द्वारा संभाली गई। रथ यात्रा के जैन मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने श्री जी का कलशाभिषेक एवं पूजन कर धर्म लाभ लिया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।